वेलकम टू रुश्यास चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड का एसिड एक चीज़ जो है वो एसिड है यानी तो वो बेसिक है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट, वो थोड़ा सा मतलब खट्टा रहेगा। जैसे कि हम लोग नींबू का पानी पीते हैं तो वो क्या है, वो एक एसिड है क्योंकि उसका टेस्ट क्या है, वो सॉल्ट है। नेक्स्ट है कि वो हमेशा टर्न होता है ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे कि हमने एक लिटमस पेपर लिया और वो टर्मरिक के अंदर ऐसा डाला तो वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस चेंज होता है, और अगर हमने लिटमस डाला तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन इट रिलीज एच प्लस आयन। जैसे कि हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में हमने एसिड को डिसॉल्व किया तो वो एच प्लस आयन को रिलीज करेगा। और अब ये जो एसिड है इसके भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो पहला है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड रहता है विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और वो नेचुरल रहता है जैसे कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंट्स में होता है और एसिडिक एसिड, तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि वो हमें नेचुरल है और वो नेचर से प्रोवाइड हो रहा है। और इनऑर्गेनिक जो रहता है वो मैन मेड रहता है, जैसे कि हम बनाते हैं लोग इंसान, जैसे कि HCl हो गया, ये सब हमने बनाया है, और HNO3 हो गया, तो ये सब मैन मेड है। ठीक है, इसको इनऑर्गेनिक नहीं तो मिनरल एसिड भी बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं तो वीक एसिड। तो आपको इससे समझ आ ही रहा होगा नाम से कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहता है, एंड इट इज़ एन एसिड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वस एंड आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये जो एसिड है ये जब हम डिसोसिएट करते हैं, जैसे कि हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं, ये पूरा कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और वीक एसिड एन एसिड विच ओनली पार्शली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हम एक एक्वस सॉल्यूशन में एक एसिड डाले और वो पार्शली ही डिसोल्व हो रहा है तो उसको वीक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हमने थोड़ा पानी लिया, इतना पानी लिया और इधर भी हम इतना पानी ले रहे हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रहता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो पानी है वो इतना है लेकिन जो हम एसिड डाल रहे हैं वो उससे डबल है। ठीक है, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। हमने इतना ही एक्वस सॉल्यूशन लिया लेकिन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इसके अंदर डाले। डाइल्यूट एसिड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन हमने इतना ही लिया है, मतलब ये फिक्स्ड एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ इससे कम एसिड जब हम मिलाएंगे तो इसके अंदर देखो एसिड का जो मात्रा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है।